हेलो दोस्तों, लोग कैसे हो। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसमें कवर किए जाएंगे 12, 13 और 14। मैं हूं आपका दोस्त, आपके साथ स्कूल के साथ भी, स्कूल के बाद भी, और ट्रिग्नोमेट्री के स्टेटमेंट का आज होगा द एंड। और पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कंप्यूटर महोदय लेकर आए हैं ये क्वेश्चन, और इसमें जो पहली लाइन लिखी है पढ़ी जबरदस्त, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। मैंने पहले भी एक बात बताई है, एक एक वर्ड पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, समझे, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, बना दो। बिल्डिंग कितने मीटर की है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है बच्चे, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। उसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। बहुत ध्यान से पढ़ना, गलती मत कर देना। यहाँ पे एक टावर है, थोड़ा सा और बड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। ये है आपका टावर, ठीक है, ये बना दिया मैंने टावर, और ये टावर को ग्राउंड से जोड़ दिया है। उसके बाद वो दो लाइनें बोल रहा है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, केबल टावर के टॉप का, ये इसका टॉप हो गया और ये यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहाँ से, और ये बना एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर। और ये बन गया नीचे से ऊपर की तरफ, ये क्या बना एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, वो क्या बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ बन गया, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, टावर के, ये क्या हो गया टावर का फुट, और ऊपर क्या हो गया टावर का टॉप, ठीक है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब मेरे को क्या करना है, ये लाइन को इस लाइन से जोड़ देना, ठीक है। अब ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हो गया 7 मीटर हो गया, ठीक है। इसको एच मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं एच। तो पूरे टावर की हाइट क्या होगी यहां से लेके यहां तक, और ये क्या होगी एच प्लस सेवन हो गई, ठीक है। ए पी सी डी ई, ठीक है। अब सारी सेटिंग कर दी, 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ 45, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, ऊपर का एंगल कितने डिग्री है 60 डिग्री, कितने डिग्री 60 डिग्री। अब एक बार सेटिंग कर दी, बस खत्म इसका खेला, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल देखते हैं हमारे कहां से कहां तक है, ट्रायंगल कहां से कहां तक, ये हुई ऐसे, ठीक है, ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। तो ये होगी आपकी ट्रायंगल, क्लियर। तो ट्रायंगल हमारे पास कौन सी है, ए डी ई, ए डी ई, और दूसरी तरफ ट्रायंगल कौन सी है, पहले ए डी ई को कवर करते हैं, टैन ऑफ द एंगल 60 डिग्री, ए, तो ये क्या हो गया, ओहो हो, ये लाइन कैंसिल हो गया, ये पॉइंट है आपका डी, ए डी ई, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, सामने वाला एच, बेस कितना हो गया एक्स। उसके बाद है आपका ये वाला एंगल, ठीक है, ए डी सी, ये रहा ट्रायंगल, दिखा ट्रायंगल, ये रहा ए डी सी। अब इस ट्रायंगल में भी आपको सिलेक्ट करना है ए डी सी में, जो कि क्या हो जाएगा टेन ऑफ द एंगल 45 डिग्री, टेन ऑफ द एंगल 45 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या रहेगा इस केस में 7 अपॉन एक्स, अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है,
अब इसको करते हैं, अब डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, डायग्राम का काम मैंने कर दिया खत्म। अब आगे क्या पूछा उसने हमसे, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी मतलब एच रखना है मुझे, एक्स को नहीं रखना, बस बस ये दो चीजें ही चाहिए होती हैं, ठीक है। एच रखना है, एक्स नहीं रखना, बस एक बार ये सोच लिया तो हमारा काम शुरू। 1060 की वैल्यू रूट थ्री एच बाय एक्स, ये क्या हो गया, एच इक्वल टू रूट थ्री एक्स, रूट थ्री एक्स ये मैंने बना के रख लिया। देखो 1045 की वैल्यू क्या है, 1 7 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7। अब मेरे को एक्स की वैल्यू तो चाहिए नहीं, एक्स तो एलिमिनेट है, 7 एच रखना है मुझे, एच रखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मान लेते हैं, पुट फर्स्ट, पुट फर्स्ट एच इक्वल टू रूट थ्री एक्स, अब एक्स की जगह पे 7, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 7 रूट थ्री। बट हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर क्या है पूरी यहां से लेके ये, और ये चीज क्या है हमारी h प्लस 7, तो हाइट ऑफ टावर क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर h प्लस 7, h प्लस 7, और h की वैल्यू मेरे पास क्या है 7 रूट थ्री, और ये भी क्या है 7। अब दोनों में क्या कॉमन आ गया, दोनों में ये 7 दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये 7 हो गया कॉमन, 7 बाहर, अंदर क्या रहेगा रूट थ्री प्लस 1, ठीक है। तो 7 रूट थ्री की वैल्यू हमें पता है 1.73 प्लस 1, तो ये क्या गया 7 2.73, ठीक है। 7 ये 21 हो जाएगा, 7 7 49 और 2 51, 19.11 आपका मीटर, और ये हो गया आपका हाइट ऑफ द टावर। आपका आंसर जो एनसीईआरटी में दिया होगा यहां तक दिया होगा, पर मेरे हिसाब से आपको आगे तक लेके जाना चाहिए क्वेश्चन को, क्लियर। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर, एक बिल्डिंग है 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 degree and 45 degree। ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस से एक यहां से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, ठीक है, और ये कितना लाइट हाउस है 75 मीटर का है लाइट हाउस, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स एक ये रहा और एक ये रहा, टू शिप्स आर कितने डिग्री, 30 डिग्री, क्या क्या है, ईरा, ठीक है। दूसरा क्या है, यहीं से आपका ये रिस कर दें एक बार, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, रुको, ये हो गया हमारा लाइट हाउस, बना दिया मैंने, दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक का बनाया अब दूसरे का बनाते हैं, दूसरी शिप ये लो, ठीक है, ये कर दी मैंने सेटिंग, और पहले का कितना है 30 डिग्री, दूसरे का कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री, ए बी सी डी, अब ये 30 डिग्री है तो ये भी, ये कौन सा एंगल बना रहा है, जेड बना रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो ये अल्टरनेट एंगल्स बना देगा, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये कितना है 45, ये भी क्या आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा 45, ठीक है। तो हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स निकालना, दो शिप के बीच की दूरी क्या है ये चीज हमें बताना है, दो शिप के बीच की दूरी, ये मैंने क्या मान लिया एक्स, और ये क्या हो गया y, ठीक है। तो हमारे पास a इधर कर लेते हैं, a b c d e, तो पहले एक ट्रायंगल उठाते हैं हम लोग, ठीक है, तो पहली ट्रायंगल होगी ये वाली,
ठीक है ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल कौन सी है आपके पास, ए बी सी, ठीक है। तो टेन ऑफ द एंगल 45, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है वाई, ठीक है। अब देखो दूसरी ट्रायंगल, अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल ध्यान से देखोगे, ठीक है। अब ए बी डी ट्रायंगल देखना, ये रही ए डी, अब दिखा सभी को ट्रायंगल, ये रहा बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को हम लोगों को लिखना, ये होगा टेन ऑफ द एंगल 30 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये मैं अगर इसको हटाऊं, इसको हटाऊं, अब दिखेगा आपको, दिख रहा है ना प्रॉपर, टेन 30 सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 75 अपॉन बेस, बेस क्या होगा यहां से लेके पूरा यहां तक है, यहां से लेके यहां तक पूरा, तो ये क्या हो गया आपके पास x प्लस वाई, x प्लस वाई। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स निकालना, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप ये x निकालना, ठीक है। हमें क्या निकालना है, x निकालना है, y को x निकालना है, मतलब x चाहिए y नहीं चाहिए, तो बना दो फिर 1045 की वैल्यू 175 अपॉन वाई, तो y इज इक्वल टू 75। अब 1030 वन बाय रूट थ्री 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75 रूट थ्री, ये हो गया फर्स्ट पुट, फर्स्ट ठीक है। x प्लस y की जगह पे 75, y की जगह पे 75 इक्वल टू 75 रूट थ्री, ठीक है। y की वैल्यू क्या होगी 75 रूट थ्री, तो x की वैल्यू क्या होगी 75 रूट थ्री माइनस 75, ठीक है, प्लस का था। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 कॉमन आ गया, 75 इधर भी है, 75 इधर भी है, 75 बाहर निकालो, रूट थ्री माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा 75, रूट थ्री की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1.73, माइनस का 1, 75 रूट थ्री की जगह पे 0.73, ठीक है 0.73 हो गया। और 75 चाहे सीधे ही कर लो, चाहे 73/100 कर दो, ठीक है, 25 3 पे 75, 25 4 पे 100, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 219/4, 4 × 5 = 20, ठीक है 54.75 के नियर अबाउट आ जाएगा ये आपका, ठीक है, समझ आया सभी को। तो ये क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, एंड में लिख के दिखा देना उस टीचर को, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 54.75 मीटर, क्लियर। अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, और ये आ जा भाई, हाँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डायग्राम दिया है पर फिर भी डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक गर्ल है 1.2 मीटर टॉल, एक गर्ल है 1.2, अब इसको ना थोड़ा छोटा करते हैं, पहले टेक्नोलॉजी का सहारा क्वेश्चन है हमारा, पहले इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये, चलो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ऐसे करते हैं इस डायग्राम को उड़ाते हैं और हम सिर्फ यही देखते हैं कि दिया क्या है, क्योंकि हमें तो डायग्राम से मतलब है, डायग्राम में ये बिना देखे इसको बनाएंगे, ठीक है। हम डायग्राम छोड़ के और इसको स्क्रीन को और करते हैं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, हाँ एक एक लाइन पढ़ेंगे और अपनी डायग्राम बनाएंगे।
ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये गर्ल है कितनी है, यहां से बनाते हैं 1.2 मीटर टॉल, बना दिया मैंने 1.2 मीटर टॉल. स्पॉट ए बैलून मूविंग विद ए विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड है ठीक है, ग्राउंड से बैलून कितनी ऊपर उड़ रहा है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर उड़ रहा है ऊपर ठीक है. तो उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. पहले उसका एंगल उसकी आई के साथ, वो बच्ची की जो आई है, ये बच्ची की आई हो गई, ओह सॉरी ये तो मैंने यहाँ पे, ये आई होगी, आई और बैलून का, इसका वो कह रहा है क्या शानदार बनाएंगे पूरी फिगर, ये लो जी कर दिया ठीक है. पहले एंगल कितने डिग्री है, ओह फिर से बनाते हैं, सफाई के चक्कर में हुई सफाई ठीक है. तो यहां से बना देते हैं ऐसे ऐसे करके ठीक है. घबराना नहीं, पछताना नहीं, आप एक सही चैनल पे हैं. ये एक मिनट, ये क्या शानदार, थोड़ी सी अच्छी लगे ना डायग्राम. पहले एंगल कितने डिग्री है 60 डिग्री, थोड़ा सा है इसमें, इसलिए मैं लाइनों का उपयोग कर रहा हूं. ठीक है, और इसका एंगल कितने डिग्री है, ये कह रहा है 60 डिग्री है. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री. कुछ समय के बाद बैलून पहले यहां था, बाद में बैलून यहां पे पहुंच गया, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून. बैलून ने ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये बताना है, और उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज होके रिड्यूस टू 30 डिग्री, रिड्यूस टू 30 डिग्री. ये रहा, पहले 60 डिग्री है, ये इसको थोड़ा सा करते हैं ऐसे, ओहो फिर सफाई हो गया, रिड्यूस टू, ज्यादा सफाई के चक्कर में ना डायग्राम, पहले एंगल 60 डिग्री है और बाद में एंगल कितने डिग्री हो जा रहा है 30 डिग्री ठीक है. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. अब बस डायग्राम एक बार मैं कंप्लीट कर दूं बस ये टास्क, इसका ग्राउंड से बनाना है, फिर इसको बनाते हैं ग्राउंड के साथ. ठीक है, अब इसको भी पूरा प्रोफेशनली बना देता हूँ यार, बस देखते जाना. ये हो गया, बन गई डायग्राम ठीक है. अब देखना एक और चीज दिखाता हूँ आपको, कह रहा है यहां से लेके, शानदार ये देखो भाई यहां तक. अब नहीं, अब तो बस इसका यूज करेंगे. ये कितना है 88.2 मीटर है, कितना है 88.2, अब बस ही सही, ये 1.2 मीटर है, ये भी क्या आ जाएगा 1.2 मीटर, कितना हो गया 1.2 मीटर. ये x है तो यहां से लेके यहां तक भी क्या हो जाएगा x, ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा फिर थोड़ी, ये यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा, ये 88.2 है, ये 1.2 है, तो ये कितना बच गया 87. कैसे निकला, 88.2 में से मैंने 1.27 माइनस कर दिया, तो ये बच गया आपका 87 ठीक है. ये x हो गया, ये क्या हो गया y, क्या हो गया आपका y, a b c d और ये हो गया आपका e. बस एक बार डायग्राम सेट, आपका क्वेश्चन अब हो जाना, और ये भी क्या आ जाएगा 87 ठीक है. अब दो डायग्राम्स उठाते हैं हम लोग, पहले ये वाली ए से लेके ये ऐसे और ये ऐसे ठीक है. तो आपके पास क्या है,
ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी टेन ऑफ द एंगल 60 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर 87 अपॉन वाई, ठीक है। अब इसके बाद ट्रायंगल है आपके पास दूसरी, अब एक और बनाते हैं ट्रायंगल, ठीक है। अब ये ट्रायंगल ध्यान से देखना, ये ऐसे ऐसे और ये रही आपकी दूसरी ट्रायंगल, देखिए सभी को दूसरी ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी टेन ऑफ द एंगल, ये परपेंडिकुलर बाय बेस लिख देना यार, टेन ऑफ द एंगल 30 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 87 अपॉन बेस, बेस यहां से पूरा वाई वाई एक्स प्लस वाई, तो ये क्या जाएगा एक्स प्लस वाई, बस एक बार सेटिंग काम खत्म। अब हमारे पास क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मुझे एक्स रखना है वाई नहीं रखना है, एक्स रखना है वाई नहीं रखना है, बस खत्म। टेन 60 की वैल्यू रूट 3 हो जाएगी 87 अपॉन वाई, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 87 डिवाइडेड बाय रूट 3, मेरे पास एक वैल्यू आई, दूसरी मैं निकालता हूं फिर, टेन 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3, 87 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू 87 रूट 3। अब y तो मुझे चाहिए नहीं, y ये रहा पहला, पुट फर्स्ट, ठीक है, x प्लस वाई 87 रूट 3 इक्वल टू 87 रूट 3, ये 87 रूट 3 है माइनस 87 अपॉन रूट 3, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, रूट 3 इसका एलसीएम हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो रूट 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 87 रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस का 87, तो x की वैल्यू क्या आ गई 87 इधर भी है 87 इधर भी है, 87 कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, 87 इंटू 2, ठीक है, 87 इंटू 2 अपॉन रूट 3 आया। अब रूट 3 नीचे तो रहता नहीं, इसको रैशनलाइज करो, रूट 3 ऊपर रूट 3 नीचे, तो ये क्या जाएगा 87 इंटू 2 रूट 3 नीचे 3 आ जाएगा रूट 3, तो ये टेबल पे जाता है 3 टू 6 3 9 27 58 रूट 3। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून कितना हो गया, ट्रेवल्ड बाय बैलून 58 रूट 3, कितना 29 इंटू 20 58 रूट 3, रूट 3 का वैल्यू अब 1.73, अब कर दो मल्टीप्लाई 58 को 1.73 के साथ, ठीक है, तो 38 24, तो ये 3.00 इतना आ जाएगा, 100.34 मीटर आ जाएगा बच्चे इसका आंसर, 58 1.73, क्लियर, समझ गए मेरी बात। अब करते हैं आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है, और यही मेरे ख्याल नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये रहा कंप्यूटर महोदय लेकर। अब न्यू एडिशन में ना पता क्या है, ये क्वेश्चन ही लास्ट क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, पहले एक और ऐड होता था, चलो करते हैं। ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, शानदार क्वेश्चन, एक स्टेट हाईवे, एक टावर है, टावर बना दिया जी, एक हाईवे है तो हाईवे बना दिया जी, स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, बुर्ज खलीफा के ऊपर बैठा है बंदा यहां पे, ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अच्छा पहले कार यहां पे है, थोड़ी देर बाद चलते 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 यहाँ पे पहुंच गई, और इतना कितने सेकंड में चली है, ये यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड में चली है, 6 सेकंड ए मान लेते हैं, और ये हमें दिया हुआ है
कि ए से बी तक जब कार चलती है तो कितना टाइम लेती है, 6 सेकंड लेती है। यहां से कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनता है बेड़ो, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन एक और बनता है बेड़ो, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये, तो दो हो गए आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब निकालते हैं हम लोग, एन एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने कितने हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ से लगाई लाइन मैंने, एक 30 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है, दूसरा, तो ये 30 डिग्री तो अल्टरनेट एंगल की वजह से ये भी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ये 60 डिग्री तो ये भी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। सी, और यहां पे कर लेते हैं हम पॉइंट डी, क्लियर। अब उसके फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, कितना टाइम लगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ये वाला टाइम निकालना है। हमें ए से लेके बी तक का टाइम दिया हुआ है, बी से लेके सी तक का टाइम निकालना है, ठीक है। तो ये एक्स ले लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं, और ये हाइट हो गई एच, ठीक है। और कुछ नहीं दिया हुआ, और एक और चीज़ दी है कि इनकी स्पीड यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब जो यहाँ पे स्पीड है वही स्पीड यहाँ पे है, वो चलो बाद में। एक दिया हुआ है स्पीड यूनिफॉर्म है, ये तथ्य हमें दिए हुए हैं, और इसी से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले ट्रायंगल आपको दिखाते हैं, ए ए ए, ये रही ट्रायंगल, देखिए पहली ट्रायंगल। अब इसमें इसमें क्या है, सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में टेन ऑफ द एंगल 60 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है एच अपॉन बेस क्या है वाई। अब इधर आ जाओ, ट्रायंगल दिखाते हैं आपको आपको फिर से, ये वाला उठाते हैं, ठीक है। ये रही ट्रायंगल, देखिए आप सभी को ये रही, ये लो बन गई ट्रायंगल। इसमें कौन सी ट्रायंगल है, ए सी डी, ए सी डी। अब टेन ऑफ द एंगल 30 डिग्री, टेन ऑफ द एंगल 30, सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये यहां से यहां तक, ये एक्स प्लस वाई अपॉन ये यहां से यहां तक, ये क्या हो गया, ओ हो, ये क्या कर दिया, सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर इसका क्या होगा एच, बेस क्या होगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो शायद ये शायद ना दिखाओ, फिर से बता दूं, मेरी शक्ल ना आ गई हो बीच में, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। टेन 30 लिया, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला ये पूरा बेस, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया, अब मेरे को एच नहीं चाहिए, एक्स और वाई चाहिए, बाकी बाद में देखते हैं। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है एच अपॉन वाई, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है एच अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू √3 हो गई। अब वाई की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, वाई की वैल्यू चलो चलो निकालते हैं, √3 y इज इक्वल टू एच। अब यहां से देखते हैं वाई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, वाई छोड़ दें ऐसी, चलो एक्स प्लस वाई √3 या मल्टीप्लाई नीचे ले जाते हैं √3 इक्वल टू एच। अब एच ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, अन कंपेयरिंग नहीं, ऑन कंपेयरिंग है, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग। अब ये चीज एच इधर भी है, एच इधर भी है, तो मतलब क्या हुआ इसका, एक्स प्लस वाई √3 इधर वाली जो चीज है और इधर वाली चीज, ये दोनों क्या होगी मेरी बराबर, ठीक है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई √3 × √3 3y, एक्स 3y माइनस वाई एक्स इक्वल टू 2y,
एक्स इक्वल टू टू वाई। अब देखोगे ध्यान से, ये रहा एक्स वाला डिस्टेंस, और एक्स वाले डिस्टेंस में टाइम कितना है, 6 सेकंड का टाइम कितना है, 6 सेकंड एक्स है डिस्टेंस, और स्पीड क्या है, अगर पहले एस है स्पीड यूनिफॉर्म है तो बाद में भी एस रहेगी। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक वाई, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या हो गया वाई। तो ये डिस्टेंस अगर वाई हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम हमें पता करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्स क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये टाइम निकालना है, ठीक है। ये टी वन मान लेते हैं, ये रहा टाइम टी वन, ये 6 सेकंड दिया हुआ है, कौन से डिस्टेंस का, एक्स वाले डिस्टेंस का, एक्स वाले डिस्टेंस का स्पीड भी दिया हुआ है टाइम भी दिया है, वो क्या है, ये रहा एक्स वाले डिस्टेंस का स्पीड, ये रहा एक्स वाले का टाइम, इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय स्पीड, तो वाई की भी ऐसी ही है, टाइम इसकी स्पीड टाइम निकालना है, इसका टाइम निकालना है, टी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब टी वन दिया हुआ है तुम्हें, टी वन कितना दिया हुआ है, एस से एस कैंसिल हो गया, टाइम टी वन कितना दिया, 6 सेकंड दिया, टू टाइम्स टी टू मल्टीप्लाई नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो टी टू की वैल्यू क्या आएगा, 2-3 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया आपका टू रीच फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ टावर ये याद रखोगे कि ये कितना आ रहा है, 3 सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चनों की होती है समाप्ति, एनसीईआरटी क्वेश्चंस का कर दिया हम लोगों ने द एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, धन्यवाद, जय हिंद।